हेलो स्टूडेंट्स हावर यू होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे आई एम गोइंग टू टीच न्यू चैप्टर ट्वेंटी वन पंचवेशन एंड द यूज़ ऑफ कैपिटल इन इंग्लिश ग्रामर ओके पंचवेशन विराम चिन्ह है ना हम कहाँ यूज़ करते हैं वो हम सीखेंगे आज और द यूज़ ऑफ कैपिटल है ना कहाँ कैपिटल लेटर की जरूरत पड़ती है ये हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे ओके okay, तो हम कुछ भी वर्ड बोलते हैं या कुछ भी एक सेंटेंस बोलते हैं तो हम कहीं रुकते हैं है ना या फिर हम उसे किस तरीके से बोलते हैं है ना यही क्या है पंचवेशन है ना पंचवेशन मार्क का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और ये पंचवेशन मार्क क्या है ओके okay, ये हम आज पढ़ेंगे नाउ ए नंबर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिव इन ब्लू ओके नाउ फर्स्ट रिया लाइक्स टू ईट आइसक्रीम केक एंड चॉकलेट ओके रिया लाइक्स टू ईट आइसक्रीम केक एंड चॉकलेट नाउ नेक्स्ट सेंटेंस रिया लाइक्स टू ईट आइसक्रीम केक एंड चॉकलेट ओके नाउ फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स लुक हेयर नाउ फर्स्ट सेंटेंस हैज़ नो स्टॉप्स ये देखिए कंटिन्यू यहां पर लिखा है यहाँ कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं दिया हुआ है है ना कि कहाँ पर हमें रुकना है कहाँ पर ये सेंटेंस एंड हो गया यहाँ पर कोई भी पंचुएशन मार्क्स या कोई भी स्टॉप्स नहीं दिया हुआ है ना और इट डज नॉट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड और एंड विथ अ फुल स्टॉप है ना यहाँ पर स्टार्टिंग भी नहीं हुई है कैपिटल लेटर से ना ही एंड हुआ है फुल स्टॉप से Okay, तो ये क्या है करेक्ट सेंटेंस नहीं है ओके नो पंचुएशन मार्क एंड नो स्टॉप नाउ देन नेक्स्ट सेंटेंस रिया ओके राइट विथ अ कैपिटल लेटर रिया लाइक्स टू ईट आइसक्रीम एंड पंचुएशन मार्क क्या है ये कोमा केक एंड चॉकलेट्स देन फुल स्टॉप ओके नाउ

है ना इसमें हमने कैपिटल लेटर का भी यूज़ किया स्टॉप्स का भी यूज किया और पंचुएशन मार्क का भी यूज किया ओके तो ये क्या है हमने एक अच्छा सेंटेंस बनाया ये गुड सेंटेंस ओके नाउ नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन स्टॉप्स और मार्क्स ऑफ पंचुएशन आर ओके यहाँ पर कुछ स्टॉप्स दिए हुए मार्क्स दिए हुए पंचुएशन के उन्हें हम पढ़ते हैं नाउ फर्स्ट द कॉमा कोमा आपको पता होगा जिसे हम अल्प विराम भी कहते हैं ना ये एक छोटी सी ऐसे ऐसा बनाते हैं ना हम इसे ये ऐसा है ना नेक्स्ट क्या है द सेमी कॉलन सेमी कॉलन विराम मतलब कॉमा में हम जितनी देर रुकते हैं उससे ही आधा है ना उससे भी कम यदि हम कॉमा में दो सेकेंड रुकते हैं सेंटेंस के बीच में हम दो सेकेंड रुकते हैं तो सेमी कॉलन में हम उससे भी हाफ है ना एक सेकेंड के लिए हम वेट करेंगे सेमी कॉलन अर्धविराम देन नेक्स्ट द कॉलन द फुल स्टॉप जो लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जब हम फुल स्टॉप यूज करते हैं नेक्स्ट फाइव नंबर द क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह देन नेक्स्ट द मार्क ऑफ एक्सक्लमेशन मार्क है ना विश्व में आदि बोधक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लमेशन मार्क फिर नेक्स्ट है द कोटेशन मार्क जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं ओके। नेक्स्ट द द कॉमा मार्क्स शॉर्टेस्ट पॉज इट इज जो कॉमा है वह एक छोटा है है ना थोड़ी देर के लिए हम जो रुकते हैं है ना ये कहा यूज होता है टू सेपरेट अ सीरियस ऑफ वर्ड सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच एस सूरज देखिए नेम दिए हुए ना एक एक नेम हम बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा देर रुक रहे हैं सूरज मेरे देखिए कॉमा शिवम कॉमा कुलदीप एंड अमन मेट मी ऑन द हॉल देन फुल स्टॉप है ना हमने रुका ना सूरज सूरज के बाद जस्ट हमने नहीं बोला ना सूरज शिवम कुलदीप कंटिन्यू हमने नहीं बोला हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं ना ये क्या है यही क्या है शॉर्टेस्ट पॉज है ना थोड़ी देर के लिए जब हम रुकते हैं ना सूरज शिवम कुलदीप एंड अमन मेड ऑन मेड मी ऑन द हॉल ओके यहाँ पर क्या यूज हुआ कॉमा देन बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स इन अपोजिशन एस दहली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन द यमुना है ना ये सिचुएशन में कैसे दहली जो कैपिटल किसकी है इंडिया की है जो कहाँ पर स्टैंड है यमुना पर है ना तो दहली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन द यमुना ओके देन फुल स्टॉप नाउ नेक्स्ट टू मार्क ऑफ द नेम टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड एस हर्ष शट द विंडो गुरदीप कम इन टू द पार्क ओके okay, हम एड्रेस बता रहे हैं ना उसको हर्ष है ना शट द विंडो गुरदीप कम इन टू द पार्क ओके ओके स्टूडेंट सुनाओ यार होमवर्क आप ये सेवन जो कॉमन स्टॉप्स और मार्क्स दिए हैं पंचुएशन के ये आप अच्छे से लर्न करेंगे ओके बाय बाय हैव अ गुड डे